हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूप्स मेकअप। और माय नेम इज़ रूपा भौमिक। सो मैंने यहाँ पे एक मेकअप का ट्यूटोरियल किया है, आप लोगों के साथ मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेकअप का पहला स्टेप होता है CTM, सी मतलब क्लिंजिंग, टी मतलब टोनिंग, एम मतलब मॉइस्चराइजर। तो यहाँ पे मैंने एक टिश्यू लिया है, इससे मैं अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पैक का टोनर अपने फेस को टोनिंग के लिए। सो मैंने यहाँ पे लिया है फ्लाम का सीरम। अगर आपका स्किन ऑयली हो तो आप सीरम स्किप कर सकते हो। मॉइस्चराइजर के पहले सीरम यूज़ करना है, इसके बाद मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे फिर एक मॉइस्चराइजर ले लिया है ड्राई स्किन के लिए। मेरा भी स्किन ड्राई है और वेदर भी अभी कोल्ड सीजन का है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है एक प्राइमर, पैक का प्राइमर। प्राइमर को अच्छी तरह से अपने फेस पे लगा लेना है, गले पे भी थोड़ा लगा लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक पैक का स्टोव क्रीम। पैक का स्टोव क्रीम दो शेड में आता है, एक गोल्डन और एक व्हाइट। गोल्डन मीडियम टू डार्क स्टोन के लिए अच्छा है और एक जो व्हाइट शेड आता है वो फेयर टोन के लिए अच्छा है। तो सो मेरा टोन भी मीडियम टू फेयर है, तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो स्टोव क्रीम जो एरिया पे हम हाईलाइट करते वो ही लगाना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक कॉन्सीलर जेट पैलेट, सफारेल का कॉन्सीलर जेट पैलेट लिया है। जो जो एरिया में मेरा डार्क सर्कल है वो एरिया में मैंने लगा लिया है। सो मेरे वीडियो को जो भी लोग देखेंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। मेरी बहुत सारे वीडियो आने वाली है तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ पैक का फाउंडेशन। दो शेड लिया है मैंने, एक फेयर और एक डार्क। मिक्सिंग प्लेट में लेके अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करना है। फिर थोड़ा लेके चेक कर लेना है आपका टोन परफेक्ट क्रिएट हुआ है क्या। तो मुझे लगता है ठीक ठाक ही है मेरा टोन, जो मीडियम टू फेयर टोन ही है मेरा। तो फिर ब्लेंडर से अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन को मैंने ब्लेंड कर दिया। फिर गले पे भी लगा लेना है थोड़ा जो एक्स्ट्रा रह जाता है। तो अपने फेस के साथ साथ गले पे भी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो मेकअप बहुत ही अलग सा लगता है। ज़्यादा बेस नहीं करूँगी, बहुत ही हल्का बेस करने वाली, वो नेचुरल लुक चाहिए मुझे और डे मेकअप भी कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एक कॉन्टूर लाइट शेड है, ज़्यादा कंटूर नहीं करूँगी, बहुत लाइट शेड लेके मैंने यहाँ पे कंटूर किया है। ये नायका का है। जो जो एरिया में मुझे लगता है कि कंट्रोल करना है कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक पैक का स्पॉटलाइट कॉन्सीलर हाईलाइट करने के लिए। इसके बाद ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है, पूरे फेस को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। आप जितना ब्लेंड करोगे आपका मेकअप उतना ही नेचर लुक देगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। तो मैंने नोज़ पे कंट्रोल करना भूल गई थी, तो फिर से मैं नोज़ को थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ अभी लिक्विड ब्लशर। लिक्विड ब्लशर मेकअप को बहुत ही नेचुरल लुक देता है। आप चाहे तो कोई भी
लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक नहीं तो क्रीम लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो आपके पास अगर लिक्विड ब्लशर नहीं हो तो। बहुत ही अच्छा लुक देता है, नेचर लुक देता है लिक्विड ब्लशर से, मुझे तो बहुत ही पसंद है। आपको पसंद है तो आप लोग कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लिया है एक आईब्रो पेंसिल अपने आईब्रो को थोड़ा शेप देने के लिए। फिर मैंने अपने आईब्रो को बहुत ही अच्छी तरह से कंसील कर लिया है और ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकटस का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो मेकअप को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर बहुत ही ज़रूरी है। बेस को सेट करने के लिए पाउडर बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं तो लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे बेकिंग के लिए लिया है आई मेजिक का नो कलर पाउडर। नो कलर ऑल स्किन टाइप हो जाता है, कोई भी स्किन पे आप, स्किन टोन पे आप यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लिया है एक बहुत ही खूबसूरत आई शेडो पैलेट। मैं बहुत ही लाइट मेकअप करने वाली हूँ, आई मेकअप बहुत ही लाइट मेकअप, मेकअप भी मैंने लाइट ही किया है तो आई भी बहुत ही लाइट ही रखने वाली हूँ। डे मेकअप है तो ज़्यादा लाउड नहीं करूँगी अपने आई को। फिर मैंने यहाँ पे एक आईब्रो पोमेट लिया है थोड़ा सा ब्राउन कलर लेके ब्लेंड कर देना है। बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है, मैंने भी बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है। जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा दिखेगा, बहुत ही नेचुरल भी लगेगी देखने में। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक आई मैजिक का हाइलाइटर आईब्रो में, ऊपर वाले एरिया में थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ किया है, इससे बहुत ही अच्छा लुक देता है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मस्कारा, वाटरप्रूफ मस्कारा। मस्कारा लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा लग जाता है तो इसे आप ब्रश से ब्लेंड कर देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो अलग सा लगता है। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ आई मैजिक का काजल, आई मैजिक का वाटरप्रूफ काजल, बहुत ही अच्छा है। आप काजल, मस्कारा और आईलाइनर अगर वाटरप्रूफ यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। ऊपर से भी थोड़ा लगा लेना चाहिए, इससे
हमारी जो छोटे आँख होते हैं ना उसे बड़ा लगता है देखने में। मेरा भी आँख बहुत छोटा है, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है लाइनर, वाटरप्रूफ लाइनर। तो इसे मैं अच्छी तरह से ड्रॉ कर लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे एक आई शेडो पैलेट लिया है प्रीटी ऑल सेट, तो इससे मैं अपने नोज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँगी ब्रोंजर शेप लेके। तो फोरहेड को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँगी, ये पाउडर कंटूर है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लशर, आई मैजिक का टास ब्लशर है, ये बहुत ही पिगमेंट वाला ब्लशर है, थोड़ा लेके मैंने यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं। मैंने पहले लिक्विड ब्लशर यूज़ किया था तो इसलिए थोड़ा ही यूज़ किया। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक का हाइलाइटर, इसका पिगमेंट तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ग्लोई पिगमेंट है इसका। मेरा मेकअप ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, सिर्फ लिपस्टिक पड़ना बाकी है। तो मेरे वीडियो को जो भी लोग देख रही है सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारे वीडियो आने वाला है। तो मेरा Facebook नाम है रूपा भूमि, मेरा Facebook पेज है ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट रूपा। सो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ डिलाइनसी का लिप पैलेट, आप लोगों को ये रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा है इसका पिगमेंट। सो मेरा मेकअप कंप्लीट हुआ है, अभी मेरा फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। सो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ये मेकअप किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।